नमस्कार, मैं हूं पायल गुडियाल। स्वागत है आपका आरबीएम न्यूज इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग वेब चैनल में। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। यूपी के महाराजगंज में पीएम मोदी ने एक विशाल रैली को किया संबोधित। साथ ही पीएम ने कहा कि यूपी की जनता ने सियासी गंदगी निकालने का फैसला किया है। साथ ही बोले, इस बार चुनाव में जनता 15 साल का गुस्सा निकाल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कंसास में हुई फायरिंग की निंदा की है। वहीं अमेरिकी कांग्रेस में कंसास शूटिंग के पीड़ितों के लिए एक मिनट का मौन भी रखा गया। अमेरिकी संसद में अपने संबोधन में भी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का इस तरह की घृणित सोच की निंदा करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में उमर खालिद के संबोधन को लेकर हुए विवाद में ट्वीट से मुद्दे को और हवा देने वाले क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने अपने बात पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो केवल मजाक में अपनी बात रख रहे थे और उनका इरादा किसी को परेशान करने का नहीं था। जीयू के रामजस कॉलेज में जेएनयू के छात्र उमर खालिद को लेक्चर देने से रोके जाने के बाद विवाद पैदा हो गया है। बता दें कि ऐसा ही मामला देश की प्रतिष्ठित जामिया यूनिवर्सिटी में भी आया है, जहां पर बीजेपी नेता शाज़ा इल्मी ने उन्हें बोलने से रोके जाने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के नोटबंदी को लेकर कसा तंज, कहा कि उन्होंने जनता को लाइन में लगाया, अब जनता लाइन में लगकर उन्हें सबक सिखाएगी। संसद में एक ऐसा निजी विधेयक पेश होने वाला है जिसके पास हो जाने पर वोटर्स को राइट टू रिकॉल की ताकत मिल जाएगी और जनता अगर अपने जनप्रतिनिधियों के काम से नाखुश है तो उसे वापस बुला सकेगी। बता दें कि संसद में ये निजी विधेयक लोकसभा में बीजेपी सांसद वरुण गांधी की ओर से लाया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की डायरी की जांच को लेकर उनकी पत्नी और योगेंद्र प्रशांत ने की उपराष्ट्रपति से मुलाकात। बता दें कि सीएम की पत्नी ने पूर्व मुख्यमंत्री की डायरी में उठाए गए सवालों और आरोपों की स्वतंत्र जांच एसआईटी से कराने की मांग की है। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन आने वाले इससे भी ज्यादा गर्म होने वाले हैं दिन। मौसम विभाग ने इस सीजन में गर्मी ज्यादा होने का अनुमान लगाया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पूरे देश में तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। दिल्ली मेट्रो स्मार्ट कार्ड लेने वाले लोगों को 1 अप्रैल के बाद कार्ड वापस करने पर बाकी रकम का रिफंड नहीं मिलेगा। आरबीआई के निर्देश के मुताबिक मेट्रो के स्मार्ट कार्ड को इंटर ऑपरेबल यानी कई जगह चलने के अनुकूल बनाने के लिए डीएमआरसी ने यह निर्णय लिया है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि यूपी को 2 गुजरातियों यानी 2G के झूठ और खतरों से बचना होगा। उनका इशारा पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की ओर था, जिनका संबंध गुजरात से है। भारतीय रेल को तेज तरार बनाने का सपना रेल मंत्री सुरेश प्रभु देख रहे हैं और इस सपने को पंख लगाने का काम हाइपर लूप वन नाम की एक कंपनी कर रही है। बता दें कि हाइपर लूप वन कंपनी ने राजधानी दिल्ली में रेलवे के अधिकारियों और मीडिया के लिए हाइपर लूप रूट्स के बारे में एक सम्मेलन बुलाया। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार पर कसा तंज। लालू ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार ने नोटबंदी नहीं की बल्कि देश की 125 करोड़ जनता की नसबंदी कर दी है, जिसमें जनता को बैंकों से अपना ही पैसा निकलवाने के लिए लाइन में लगने पर मजबूर होना पड़ा। पश्चिम बंगाल में जड़े जमाने की कोशिश कर रही भाजपा को करना पड़ा शर्मिंदगी का सामना। बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने बाल तस्करी के आरोप में बीजेपी नेता जूही चौधरी को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में अभिनेत्री रूपा गांगुली का नाम भी आया सामने। इंडियन प्रीमियर लीग को लगा बड़ा झटका। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन इस सत्र में किसी भी फ्रेंचाइजी का नहीं होंगे हिस्सा। बता दें कि ये बात खुद पीटरसन ने एक इंटरव्यू के दौरान कही। साथ ही उन्होंने इसके लिए अपने फैंस से भी माफी मांगी। सीबीआई ने 2014 में सद्भावना दौरे पर जापान गए देश के बैडमिंटन खिलाड़ियों के मामले की जांच शुरू की। बता दें कि सीबीआई को शक है कि इस दौरे पर भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष और उसके दिल्ली इकाई के अधिकारियों के रिश्तेदार टीम का हिस्सा थे। पुणे टेस्ट की पिच को लेकर मच रहे बवाल में अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर इयान चैपल ने भी इस मामले पर टिप्पणी की है। चैपल ने कहा कि मुझे लगता है कि कभी कभी टेस्ट मैचों में इस तरह की भी पिच होनी चाहिए जिससे मैच के नतीजों में कुछ मजा आए। कंगना रनौत पर कमेंट कर फंसे शेखर सुमन और उनके बेटे, ट्विटर यूजर्स ने पूछा, आप अपने नेशनल अवार्ड्स कहां रखते हैं? बता दें कि शेखर सुमन ने बिना कंगना का नाम लिए ट्विटर पर कमेंट किया था। उन्होंने लिखा कि कोकेन की आधी एक एक्ट्रेस उस स्टारडम को बोझ उठा रही थी जो था ही नहीं, अब वो मुंह के बल गिर चुकी हैं। फिलहाल हमारे साथ बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए आरबीएम न्यूज इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग वेब चैनल। नमस्कार।